आपने देखा कि किस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कैलकुलेशन के लिए हम एक निश्चित समय अवधि एक वर्ष की लेते हैं और उस समय अवधि में पूरे देश की सीमा के भीतर जो भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है उसके आधार पर हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं। अब जीडीपी ही कहीं ना कहीं आधार बनता है एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद का, लेकिन अगर हम शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में अलग से एक राय जानना चाहें तो वास्तव में यहाँ पर भी हम यही बात करते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो चाहे निवासी हो या गैर निवासी दोनों ही तरह के लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद का के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो उसके मौद्रिक मूल्य को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग, बहुत सारे उत्पादन के लिए सामग्रियों का प्रयोग हम करते हैं, पूंजीगत मशीनों का प्रयोग, स्थायी संपत्तियों का प्रयोग हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार चलने के कारण या समय बीतने के कारण उनके मूल्य में जो है वो कमी हो जाती है, घिसावट आ जाती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो जब हम शुद्ध मूल्य की बात करते हैं, यानी कि जब हम यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, तो हमने अभी जो जिस जीडीपी की कैलकुलेशन की, अभी तक उसमें से किसी प्रकार का कोई घिसावट व्यय नहीं घटा था। लेकिन जब हम यहाँ पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी की कैलकुलेशन करेंगे, तो उस जीडीपी से हम यहाँ पर घिसावट व्यय को अलग कर देंगे, घटा देंगे। यानी हम यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट। बहुत सीधा सा फॉर्मूला, अगर हमने जीडीपी कैलकुलेट कर लिया तो हम बहुत आसानी से एनडीपी कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब अगर हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो इसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्शन। जैसे कि हमने देखा कि जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि एक निश्चित वर्ष में जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादित वस्तु का जो अंतिम मूल्य था उसके आधार पर हम वहाँ पर हम जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो था उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर भी हमने मशीनों में जो घिसावट है, जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है, उसको कहीं पर हमने हटाया नहीं था, अलग नहीं किया था। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने एनडीपी की कैलकुलेशन की, ठीक उसी तरह यहाँ पर एनएनपी की कैलकुलेशन करते समय हमने इसके पहले जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की कैलकुलेशन की है यानी कि जीएनपी की जो कैलकुलेशन की है, उसमें से अगर हम घिसावट व्यय को यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हम एनएनपी को प्राप्त कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हम सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे एनएनपी इक्वल टू एनडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद और सकल और शुद्ध घरेलू उत्पाद सभी की कैलकुलेशन देखी, लेकिन इनकी वैल्यूएशन जो होती है वो दो आधार पे यहाँ पर हम देखेंगे, बाजार कीमत पर यानी कि मार्केट प्राइस पे, जिसे हम शॉर्टकट में यहाँ एमपी से शो करेंगे, और दूसरा साधन कीमत पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर, जिसे हम यहाँ एफसी से शो करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। तो बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दोनों के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हमें बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि हमें जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो हमने जैसे कि पहले देखा कि एक वर्ष में एक देश के भीतर जो उत्पादित वस्तु और सेवाएँ हैं उनके अंतिम
मूल्य की बात हम करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन में, तो उन्हीं वस्तुओं की जो संख्या होती है उसको जब हम यहाँ पर बाजार कीमत से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू P इंटू Q, तो इस आधार पर हम बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं। दूसरा, अगर हमें इसी तरह बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर भी अभी हमने जो इसके पहले स्टेप में GNP कैलकुलेट किया है, GNP एट मार्केट प्राइस, उसमें हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन से, तो जो ग्रॉस था वो अब नेट हो जाएगा, यानी कि जो सकल उत्पाद था अब वो शुद्ध उत्पाद हो जाएगा। आइए इससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में बाजार कीमतों के आधार पर GNP का मूल्य 50,000 रुपये तथा मशीनों का प्रतिस्थापन व्यय 5,000 रुपये वार्षिक हो, तो उस देश का विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है, और नेट नेशनल प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए हमको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग वो होगा GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन यानी घिसावट व्यय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि GNP क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 और घिसावट जो है मशीनों का प्रतिस्थापन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 5,000। हम इसको आसानी से माइनस करेंगे, NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट यानी कि 50,000 माइनस 5,000, तो NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 45,000 हो जाए। यदि किसी अर्थव्यवस्था के कुल वार्षिक उत्पाद का मूल्य 75,000 रुपये है तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य 65,000 रुपये है, तो घिसावट व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ क्योंकि हमको GNP और NNP दोनों ही दे दिए गए हैं, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा GNP और NNP का जो बैलेंस है वही घिसावट कहलाएगा, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा घिसावट व्यय इज इक्वल टू GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन माइनस NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्शन is equal to 75,000 minus 65,000 is equal to 10,000. तो घिसावट व्यय जो है वो 10,000 हो जाएगा। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद तथा विशुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ मदें दी गई हैं और उनकी जो राशियां दी गई हैं वो करोड़ रुपए में दी गई हैं। उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन 15,000, पूंजीगत वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन 5,000 और घिसावट व्यय 1,000। यहाँ सबसे पहले हमको निकालना है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन सकल घरेलू उत्पाद, जिसका फॉर्मूला होगा उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन प्लस पूंजीगत वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन। प्रश्न में हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं का उत्पादन है 15,000 और इसमें हम प्लस कर देंगे पूंजीगत वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन 5,000, तो ये 20,000 करोड़ रुपीस जो होगा वो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। इसी तरह हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि NDP की कैलकुलेशन कर लेंगे। NDP की कैलकुलेशन के लिए हमने देखा था फॉर्मूला होगा सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट व्यय, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो हमने 20,000 यहाँ पर ज्ञात कर लिया है और इसमें से घिसावट व्यय जो क्वेश्चन में दिया है 1,000 वो हम माइनस कर देंगे, तो 19,000 करोड़ रुपीस जो हो जाएगा वो हमारा NDP यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जाएगा। किसी देश के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं दी गई है, यहाँ पर कुछ मदें और उनकी राशि करोड़ रुपए में दी गई है। उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाएं 9,300, पूंजीगत वस्तुएं एवं सेवाएं 6,100, घिसावट व्यय 900, निर्यात 2,000, आयात 1,800। उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर गणना कीजिए सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करनी है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की,
जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए हमने देखा कि इसमें हम उपभोक्ता वस्तु सेवाएं और पूंजीगत वस्तुओं एवं सेवाओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाएं हैं 9,300 और प्लस पूंजीगत वस्तु एवं सेवाएं हैं 6,100, तो ये जीडीपी आ जाएगी 15,400 करोड़ रुपए। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी की कैलकुलेशन के लिए हम जिस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ करेंगे वो होगा सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट व्यय यानी कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पर जीडीपी हमने कैलकुलेट की थी पहले वो 15,400 आया था और इसमें से अब प्रश्न में जो घिसावट व्यय दिया गया है वो हम 900 माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीपी जो है वो 14,500 करोड़ आएगा। थर्ड हमको यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सकल घरेलू उत्पाद प्लस आयात निर्यात अवशेष। यहाँ पर हम देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था जीडीपी जो कि आया था 15,400 और आयात निर्यात जो अवशेष है वहां हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम प्रश्न में देख रहे हैं कि जो हमारा निर्यात है वो 2000 है और आयात जो है वो 1800 है, तो डिफरेंस यहाँ पर हमको अवशेष यहाँ पर लिखना है तो 2000 माइनस 1800 करके 200 का डिफरेंस यहाँ पर ले लेंगे, ये हो जाएगा 15,600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमको ज्ञात करना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय यानी कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ हमने जीएनपी की कैलकुलेशन कर ली है 15,600, इसमें से हम 900 जो घिसावट व्यय है वो माइनस कर देंगे तो 14,700 हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमको ज्ञात हो जाएगा। यदि किसी देश का विशुद्ध घरेलू उत्पाद 25 लाख रुपए हो तथा घिसावट व्यय 5 लाख रुपए हो तो सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। यहाँ विशुद्ध घरेलू उत्पाद दिया गया है 25 लाख रुपए, घिसावट दिया गया है 5 लाख। इसके आधार पर अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करेंगे तो विशुद्ध घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय को जोड़ दिया जाएगा यानी सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद धन घिसावट व्यय। 25 लाख प्लस 5 लाख यानी 30 लाख रुपए विशुद्ध घरेलू यानी 30 लाख रुपए सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। यदि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद 10,000 करोड़ रुपए तथा विशुद्ध घरेलू उत्पाद 9,500 करोड़ रुपए है तो घिसावट व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ सकल घरेलू उत्पाद 10,000 करोड़ दिया हुआ है और विशुद्ध घरेलू उत्पाद 9,500 करोड़ दिया है, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो होता है वो घिसावट व्यय कहलाता है यानी घिसावट व्यय निकालने के लिए हमें सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटा देना होगा। घिसावट व्यय बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी 10,000 माइनस 9,500 करोड़ रुपए घिसावट मूल्य होगा। निम्न सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ मदें दी गई हैं और साथ में उनकी राशि करोड़ रुपए में दी गई है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 45,000, घिसावट व्यय 7,000, आयात 12,000, निर्यात 10,000। यहाँ हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट व्यय माइनस आयात निर्यात का अवशेष। प्रश्न में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद स्पष्ट रूप से 45,000 दिया गया है, इसमें हम प्लस कर देंगे घिसावट व्यय और माइनस कर देंगे आयात निर्यात अवशेष। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आयात में से जब हम निर्यात को माइनस करेंगे यानी 12,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आयात निर्यात अवशेष 2,000 हमको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसे हम यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए माइनस कर देंगे और 50,000 करोड़ रुपए जो है वो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाएगा।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करने के लिए हमको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट व्यय को जोड़ देना होगा। यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की राशि 45,000 दी गई है और घिसावट व्यय 7,000 दिए गए हैं। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद की राशि 52 करोड़ रुपए हो जाएगी। निम्न सूचना के आधार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी का मूल्य ज्ञात कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद 76,350 करोड़ रुपए, स्थिर पूंजी का उपभोग 1,350 करोड़ रुपए। यहाँ हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करेंगे, जिसका फॉर्मूला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस स्थिर पूंजी का उपभोग। यहाँ पर प्रश्न में स्पष्ट रूप से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की राशि दी गई है, इसमें से हम स्थिर पूंजी के उपभोग की राशि को घटा देंगे, यानी 76,350 में से 1,350 हम माइनस कर देंगे, तो 75,000 करोड़ रुपए जो है वो हमें एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाएगा। अगली जो कैलकुलेशन होगी हमारी वो होगी साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जिस तरह हमने बाजार कीमत पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की थी, उसी तरह जब हम फैक्टर कॉस्ट यानी जो उत्पादन के जो साधन होते हैं जब हम उनके आधार पर गणना करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बात आती है वो आती है अप्रत्यक्ष करों की। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई टैक्स वैल्यू जो होती है ऐड होती है। एक्चुअली हमको ये पता भी नहीं चल पाता कि उस वस्तु के क्रय मूल्य में हमने कुछ टैक्स भी दिया है। यही कारण है कि हम इनको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। डायरेक्ट हम कर नहीं देते हैं, उस वस्तु के मूल्य के साथ हम ऐड करके देते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर की धारणा को ध्यान में रखते हुए यहाँ साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हम करेंगे। और दूसरी जो बात निकल कर आती है वो होती है आर्थिक सहायता, यानी कि कई बार रोजगार में वृद्धि के लिए या मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में उसको रोकने के लिए या अन्य कई कारण होते हैं जब सरकार इन उद्योगों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ये जो दो वैल्यू होती है अप्रत्यक्ष कर, इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे कि उत्पादन कर या विक्रय कर, इस तरह के अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं आर्थिक सहायता की, तो इन दोनों बिंदुओं को आधार मानते हुए इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम साधन लागत पर गणना करेंगे। तो इसके आधार पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जब फर्स्ट कैलकुलेशन हम जीएनपी एट एफसी करेंगे यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा जीएनपी एमपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, और उसमें से फिर हम माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष कर जो हमने दिया है और उसमें हम प्लस कर देंगे आर्थिक सहायता जो हमें सरकार से प्राप्त हुई है। तो अगर अप्रत्यक्ष करों के बारे में कोई जानकारी दी गई है, आर्थिक सहायता से संबंधित कोई सूचना है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम जीएनपी एट एफसी प्राप्त कर लेंगे। दूसरा हम यहाँ पे एनएनपी एफसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे एनएनपी एफसी इक्वल टू जीएनपी एफसी माइनस घिसावट व्यय। बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी जो हमने अभी इसके पहले जीएनपीएफसी में प्राप्त कर ली, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट हमने ज्ञात कर लिया है। अब क्योंकि वो ग्रॉस है हमको उसको नेट बनाना है। जब कोई भी प्रोडक्शन हमने पहले भी देखा, जब ग्रॉस रहता है तो उसमें घिसावट व्यय शामिल रहता है, अलग हम नहीं किए रहते हैं। अब क्योंकि हमको उसको नेट बनाना है और ऑलरेडी इसके फर्स्ट स्टेप में हमने जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन कर ली है, तो अब इस जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से हम घिसावट व्यय यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम एनएनपीएफसी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि एनडीपीएफसी और
NFIA के बारे में यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के बारे में भी अगर कोई जानकारी दी गई है तो उसको हम इस कैलकुलेशन में कहाँ फिट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इस तरह की कोई जानकारी दी हुई हो तो बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा। जैसे यहाँ पूरा अगर हम देखें तो देख रहे हैं कि NNPFC इक्वल टू GDPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर किया था हमने और प्लस किया था हमने आर्थिक सहायता और माइनस किया था घिसावट व्यय। लेकिन साथ में अगर NFIA भी दिया हुआ है तो उसको हम इसके कैलकुलेशन में जोड़ देंगे। NNPFC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं और वहाँ पर हमको आर्थिक सहायता के साथ अप्रत्यक्ष कर और साथ में NFIA यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की भी जानकारी दी हुई है तो हम उसको अपने फॉर्मूले में कहाँ फिट करेंगे। या हम NNPFC इक्वल टू NDPMP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस जिसकी कैलकुलेशन हम इसके पहले कर चुके हैं उसमें से हम अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे, आर्थिक सहायता हम उसमें प्लस करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, और नया जो पॉइंट हमको यहाँ पर मिल रहा है NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो क्योंकि हम यहाँ पे नेट की कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो शुद्ध साधन आय है तो उसको भी हम यहाँ पर NFIO को प्लस कर देंगे। वास्तव में हम यहाँ पर बाजार लागत पर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पाद मूल्य देख रहे हैं और साथ में साधन लागत पर यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे भी देख रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा की तो हमारा मुख्य मेन जो हमारा पर्पस होता है, हमारा जो आशय होता है वो साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट से ही होता है। आइए इससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। निम्न सूचना के आधार पर NDPMP ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ मदें दी गई हैं और उनकी राशियाँ करोड़ रुपए में दी गई हैं, जैसे GNPMP 62,318, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास 3,160, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी NFIA -300। अब क्योंकि यहाँ हमें बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है यानी कि NDP ऑन मार्केट प्राइस हम यहाँ पे ज्ञात करना है और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं GNPMP माइनस मूल्यह्रास माइनस NFIA। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें प्रश्न में दी गई हैं। GNPMP है 62,318 माइनस डेप्रिसिएशन 3,160 और माइनस NFIA 300 जो कि माइनस में है यानी लॉस है। ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन से हमें बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद 59,458 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। इस प्रश्न में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें GNP और GDP का अनुमान लगाना है। यहाँ पर मदें दी गई हैं और उनकी राशि करोड़ रुपए में दी गई है। ये मदें हैं NDP 63,415 करोड़, स्थिर पूंजी का उपभोग 2,250 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA 750 करोड़। GNP के कैलकुलेशन के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो है NDP प्लस मूल्यह्रास प्लस NFIA यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। तो यहाँ पर हमें NDP की वैल्यू दी गई है 63,415, डेप्रिसिएशन इसमें हम प्लस कर देंगे 2,250 और NFIA हम इसमें प्लस कर देंगे 750। तो ये टोटल हमको GNP 66,450 यहाँ पर हमको ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से हम GDP की कैलकुलेशन करेंगे तो ये हम पहले भी जानते हैं कि GDP जो होता है वो NDP में यहाँ पर मूल्यह्रास जोड़ दिया जाएगा। तो GDP इक्वल टू NDP प्लस मूल्यह्रास यानी 63,415
415 प्लस 2250 इज इक्वल टू 65,665। नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। वस्तु और सेवाओं का मूल्य 4,280 करोड़ रुपए, घिसावट व्यय 480 करोड़ रुपए, शुद्ध विदेशी साधन आय 120 करोड़ रुपए, अप्रत्यक्ष कर 100 करोड़ रुपए, आर्थिक सहायता 80 करोड़। यहाँ हमको बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNPMP की कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य माइनस घिसावट व्यय प्लस शुद्ध विदेशी आय। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य है वो है 4,280, इसमें से हम माइनस कर देंगे घिसावट व्यय 480 और जोड़ देंगे शुद्ध विदेशी साधन आय 120, तो हमें NNPMP यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 3,920 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएगा।